वेलकम टू आर टू एच टू। तो आपको मेरे स्टूडियो में स्वागत है। फाइनली आपका मोस्ट फेवरेट ओएस आ चुका है आपके रियल मी टू प्रो फ़ोन के लिए, यानी कौन सा ऑक्सीजन ओएस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रियल ओएस है ऑक्सीजन, जो वन प्लस में लोडेड आता है। तो इसमें ऐसा कुछ मिस नहीं है, अपना पूरा कोई थीम नहीं है, सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। कुछ दिक्कतें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और उसके सोल्यूशन भी बताऊँगा, जो बग्स हैं इसके ओएस के। तो मैं अभी इसके थोड़े बहुत आपको फीचर्स बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। एक तो आपको इसमें मिलेगा जो ऑक्सीजन ओएस में डाला आता हुआ है, थीम्स वगैरह, यानी डार्क थीम आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो आपके फ़ोन को कर देगी ब्लैक। जैसे आप रात में इसको कम, आपकी ज़्यादा आई को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। और इसमें आपको और क्या मिलेगा, जितने भी सारी ऑक्सीजन ओएस के जितने फीचर्स रहते हैं, कुछ मिसिंग नहीं है, सारे आपको मिलेंगे। पूरा रियल ओएस है, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, वन प्लस ऑक्सीजन ओएस का वर्जन आपका लिखा हुआ है। और इसमें कुछ कुछ दिक्कतें थी, जैसे कैमरा की दिक्कत थी और कुछ और दिक्कत ही थी, तो वो मैंने इसमें फ़िक्स कर दी। आप मेरे लॉक्स में मैंने फोल्डर बना दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक है जहाँ डाउनलोड करनी है, तो वहाँ आप देख लेना क्या क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। वहाँ मैं अपडेट करते जाऊँगा और आप मुझे बताना कमेंट्स में क्या दिक्कत है, तो मैं उसको फिक्स कर दूंगा अपने इस ओएस में। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसमें आप परसेंटेज को भी इनेबल कर सकते हैं, नेटवर्क स्पीड को भी इनेबल कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात इस ओएस की यह है कि आप इसमें वीडियो कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, वीडियो कॉल आप इसमें कर सकते हो। तो मैं देखो आप एक कॉल लगा के बता रहा हूँ। तो जो मैंने अपना नंबर इसमें इनपुट किया, और ये देखिए, मतलब मैं ऐसा कुछ फेक नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आपको पूरा रियल बताऊंगा और रियल रिव्यू भी दूंगा इसकी। तो जैसे आप देख रहे हैं, आप देखिए वीडियो कॉल इसमें काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। जियो से आप बात कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि थोड़ा बगी तो है और उसका हम सोल्यूशन देखते रहेंगे। बाकी तो मैंने फिक्स कर दिया है। अब जे आप सोच रहे हो कि यार इसको अब ब्रो अब तुझे बता कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो ये इंस्टॉल वही लोग कर पाएंगे जिनका फ़ोन अनलॉक है और रूटेड है मेरी कस्टम रिकवरी के साथ। तो यदि आपका अगर फ़ोन रूटेड और अनलॉक मेरी रिकवरी के साथ ना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिए रिकवरी इंस्टॉल करने की मेरी वाली, तो आप वहाँ से रूटेड वगैरह कर लेना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी मेथड कैसे इंस्टॉल। आपको ये तीन फाइल इसकी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो ये तीनों फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है, बूट सिस्टम और बेंडर, ठीक है। तो जब ये तीनों फाइल आपकी डाउनलोड हो जाए आपके फ़ोन में कर लेना। आई विल सजेस्ट यू कि आप फ़ोन में इसको डाउनलोड करें तो उसमें ठीक रहेगा, ताकि आपको एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना जाए। तो ये तीनों फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है, तो ये एक्सजेड फॉर्मेट में मिलेगी, कंप्रेस्ड फॉर्मेट है ये अपना। तो इनको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, कहीं भी कर लेना एक्सट्रैक्ट, अपने फ़ोन में कर लेना या फिर पीसी पे कर लेना, और वहाँ से आप अपने फ़ोन मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर देना। तो अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, बहुत हाईली कंप्रेस है, मैंने आपका डेटा बचा दिया है, तो थैंक्स और लाइक आप मार देना वीडियो पे। जो हमारे अनकंप्रेस हो चुके हैं बूट, जब आपका अनकंप्रेस हो जाएगा तो ये IMG फॉर्मेट में ऐसा आपको दिखाएगा। तो ये तीनों फाइल को आपको कॉपी कर देना अपने इंटरनल या मेमोरी कार्ड में, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप इसको कॉपी कर देना। तो मैं अपने फ़ोन में इसको कॉपी कर लूँगा फ़ोन मेमोरी में। यदि आपका रूटेड नहीं है, मैं आपसे रिपीट करूँगा, तो आप अपना फ़ोन रूटेड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन वाले से, तब जाके आप इसको ऑक्सीजन ओएस को इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है, और रिकवरी भी होनी चाहिए। तो अब हम अपना फ़ोन करेंगे स्विच ऑफ। हमको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दोनों को होल्ड करना है, दबा के रखना, तब जाके हमारे रिकवरी मोड पे फ़ोन जाएगा। जब हमारा फ़ोन अनलॉक्ड है, वॉल्यूम डाउन की दबाएंगे ताकि हम इसके मेन्यू में नीचे जा सकें, रिकवरी मोड लिख के आ गया, हम पावर की दबाएंगे, इससे रिकवरी मोड में चला जाएगा। ना वी आर इन कस्टम रिकवरी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, वाइप करना है। वाइप से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपने फ़ोन का पहले पूरा बैकअप ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करने से पहले बैकअप ज़रूर लीजिएगा अपने फ़ोन का। तो मैं अब वाइप करूँगा और स्वाइप टू रिसेट।
तो ये मेरा वाइप हो चुका है। अब जो मैंने फाइल अभी अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करी थी, यानी बूट IMG, सिस्टम IMG और वेंडर IMG, तो हम उनको फ्लैश करना शुरू करेंगे। इंस्टॉल पे आना है, इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना है और फिर आपको बूट IMG पे क्लिक करना है, यानी बूट को बूट में इंस्टॉल करना है। स्वाइप टू फ्लैश कर देना है, फिर हम करेंगे बैक करना है, फिर आपको करना है सिस्टम को सिस्टम में इंस्टॉल, ठीक है। सिस्टम को सिस्टम आई इमेज में इंस्टॉल करना है और वेंडर को वेंडर आई इमेज में इंस्टॉल करना है। बहुत ईजी, इतना कठिन नहीं है। दिक्कत थी इस, मतलब इसके पहले जो मैंने जिस तरीके से किया था, जिन्होंने बनाया है वो उस नाम से जो है यूज़र, तो उसमें थोड़ी हार्ड मेथड थी। मैंने आपके लिए इतना सब ईजी कर दिया है, तो आप ऐसे सिंपली तीनों चीज़ फाइल को इंस्टॉल कर देना और सिंपली अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना, तो वो आपका फ़ोन ऑक्सीजन OS में बूट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ दिक्कतें हैं तो उनके भी सलूशन हैं, तो मैं उनके सलूशन आपको बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। ये हमारा फ़ोन हो रहा है ऑक्सीजन OS में बूट रियल। तो अब आपको क्या करना है, एक बार अपना फ़ोन टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है। पावर की से एक बार बंद करके इसको ऐसे चालू कर देना है, फिर क्लिक ऑन स्टार्ट करना है, फिर आपको फ़ोन सेलेक्ट कर लेना जो भी अपने पसंद का हो, आपका रोबोट हो या वन प्लस स्लेट। तो मैं वन प्लस स्लेट को ओके कर दिया है, नेक्स्ट करूँगा। एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन को, जो हमारी वन प्लस की रहती है ओरिजिनल। नो थैंक्स, हमको कोई डेटा नहीं भेजना है वन प्लस को, नो थैंक्स, कुछ भी नहीं भेजना है। कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क, अभी मैंने अपनी सिम नहीं डाली इसमें। सेटअप इज न्यू, तो जो हमारा वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करेगा स्किप कर देना है सिंपली। अब एक बात और सुनिएगा, जैसे आपको मान लो कुछ लॉक अगर रखना है तो आप पहले शुरुआत में यही सेटअप पे रख लेना, बाद में आप लॉक नहीं रख सकते क्योंकि वो फोर्स क्लोज हो जाता है बाद में, ठीक है। तो जितने भी आपको जो लॉक रखना हो पैटर्न वगैरह, तो आप पहले ही रख लेना है सेटअप में, उसके बाद आप लॉक नहीं लगा सकते हो। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना। जो हो गया अपना पहली प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन, तो यहाँ पर आप ऐसा करना, एट फेज डेटा में आना, यहाँ पर अपने पैटर्न आप चुन लेना जो भी आप लॉक रखना चाहते हो परमानेंटली इसके लिए, तो आप यहाँ पे अपना लॉक रख लेना। सिंपली क्लिक होना अलाउ, और जब आपको फेस डेटा मांगेगा आपको देना तो देना, नहीं तो मत देना, स्किप कर देना, मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप मेरा पैटर्न भी लग चुका है इसमें, फिंगरप्रिंट फिलहाल काम नहीं करेगा इस पर अपने, नहीं मुझे डेटा नहीं भेजना, सॉरी गूगल, एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा वन ऑक्सीजन OS बूट हो चुका है कम्प्लीटली, लेकिन अभी आपको सेटिंग में जाना है और बटन्स में आना है, और यहाँ से ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार लिखा हुआ है इसको ऑन कर देना है, तो जिससे आपकी नेविगेशन बार की जो दिक्कत है और दो तीन जो और दिक्कतें थी तो फिर नहीं आएंगी इससे, एक बार रीस्टार्ट कर देना है सिंपली फ़ोन को। तो ये अपना नेविगेशन बार और कीबोर्ड का फिक्स हो चुका है इससे, ठीक है। उसके में थोड़े बहुत अंदर से कोड भी डाले जिससे वो आप ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो आप जैसे देख रहे हैं इसमें अपना वोल्टी सब कुछ चल रहा है। अब इसमें आपको एक और दिक्कत दिखाई देगी वाईफाई की, तो वाईफाई के लिए करना है, वाईफाई अगर आपका नहीं चलता है वाईफाई प्रीफ्रेंस में जाना है, एडवांस में आना है, स्कैनिंग ऑल इज अवेलेबल पे आपको ओके कर देना है, जिससे आपके वाईफाई स्कैन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप नेटवर्क अपना सेलेक्ट कर सकते हो और उससे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कनेक्ट नहीं होता, दिक्कत करता है, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी अब थर्ड दिक्कत क्या है, थर्ड दिक्कत ये है कि आप जैसे आप किसी को ब्लूटूथ थोड़ा लेट चालू होता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो भी चालू हो जाता है। तो ये इसके थोड़े बहुत बग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, और ये उसी के सल्यूशन है। और ऐसा नहीं कि करेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा लेट चालू होता है लेकिन कनेक्ट हो जाएगा। और एक दिक्कत और है, वो है हॉट सपोर्ट की, तो ये भी अपना चालू हो जाएगा लेकिन हाँ एक बार होगा। तो उसके लिए आपको पहले ही अपने पासवर्ड अगर इसमें रख लेने हैं जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने अपना ये पासवर्ड रखा है इतना सुंदर सा, तो आप अपने पसंद का पासवर्ड एक बार रख लेना, और इसको सिर्फ एक बार चालू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको रिबूट करना पड़ेगा, तब उसके बाद ये चालू होगा। जैसे देखना मैं अब इसको बंद करूँगा फिर चालू करूँगा तो क्या बताएगा, एरर बता देगा। तो सिर्फ आप एक बार चालू कर सकते हैं जब आपका फ़ोन बूटेड हो, ओके।
और इसमें कुछ हेडफोन की भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, कभी कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता है, तो उसको मैं फिक्स करूँगा। अगर मेरे इस वीडियो पे 1K लाइक्स होते हैं तो मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फिक्स दैट। और कैमरे की जो दिक्कत थी तो वो मैंने फिक्स कर दी, तो आप कैमरे का भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें दिक्कतें थी पहले से, तो वो सारी मैंने फिक्स कर दी है। स्मूथ थोड़ा बहुत था, बहुत कम था स्मूथ, तो मैंने उसको डबल स्मूथ कर दिया क्यू एन इंजन से, जो लाइट ओ एस में अपना डला हुआ आता है इनबिल्ट, तो वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा और आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि हाँ वाकई में ये कितना स्मूथ है। अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, बाकी कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें ओएस में। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस ओएस को चला के, तो मैं भी चाहता हूँ कि इसको थोड़ा डेवलप करूँ, लेकिन हाँ कब करूँगा। आपने सुन लिया मेरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको 1K लाइक्स करने पड़ेंगे टोटल, मुझे पता है व्यूज आएंगे इस कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है 1K तक, ठीक है। दोनों पे ऐसा है, इसमें सब्सक्राइब मारो, हिट लाइक मारो, हिट बेल आइकॉन को भी हिट करो और शेयर करो, और खुश रहो, ठीक है। मिलते हैं आपसे बाद में।